वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने कल देख ही लिया था कि हमारा जो ट्रेन है वो मतलब हमारा मेमू लोकल का हमारा जो ट्रायल था वो रेडी हो गया, ख़त्म हो गया। और आज किसी दिखाते हैं कि हमारे T13 की तरफ में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो चलो आपको T13 की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि आज का T13 का जो प्रोसेस है हमारा, जो काम हुआ है, जो आगे चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं और लेके चलते हैं आपको T13 की तरफ। क्योंकि आगे अब इस चीज़ का प्रोसेस बहुत कुछ है, बहुत सारी मतलब प्रोसेस बचे है और क्या क्या है वो भी दिखाते हैं आपको हम। और ये देखो कि हमारा जो बैठने वाली जो है प्लेटफॉर्म पे जो रहती है सीट है, वो सारी चीज़ें भी लग रही है। तो चलो तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि हम लोग T13 के सामने में है और T13 के सामने में आप देख ही रहे हो कि कितना इधर का जो हमारा वर्क है ये कंप्लीट हो गया है, कंक्रीट वर्क। और रहा बात BLT का, तो वो भी हमारा तीन दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो कंक्रीट वर्क, जो मेरा लेइंग का जो कंक्रीट वर्क है, वो मेरा आपका ओनली 25-30 मीटर मेरा बचा हुआ है, जो मेरा 2 दिन के अंदर में हो जाएगा। और क्योंकि डे नाइट कंक्रीट चलेगी तो ऑब्वियस बात है दो दिन में ख़त्म हो जाएगा। और रहा बात BLT वर्क, तो वो मेरा आपका अप्रोक्स मेरा वो 25-30 मीटर वो भी बचा हुआ है, ठीक है। तो वो भी मेरा क्या है कि वो मेरा 3 दिन में ख़त्म होगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ी कंक्रीट की प्रॉब्लम हो गई और यहाँ की थोड़ी सी हालात भी ख़राब हो है। मतलब हालात ख़राब नहीं, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये है कि ट्रेन चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कल से हमारा एक और ट्रायल है मेमू लोकल का, जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई है। तो कल की वीडियो जो है बहुत स्पेशल होने वाली है दोस्तों, और उसकी भी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, क्योंकि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगी, वो भी ट्रायल के लिए। तो दोस्तों वो भी चीज़ है जो मेरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ज़रूर दिखाऊँगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं और अंदर की तरफ में, और इधर में भी आप देख रहे हो कि हमारा जो BLT वर्क मेरा बचा हुआ है बस, और हमारा मिनिमम हमारा जो कंक्रीट वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऊपर की भी जो फिनिशिंग वगैरह है सब कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों बहुत ही ठंडक लग रहा है, मतलब बहुत ही ठंडक महसूस हो रही है यहाँ पे, और अच्छा भी लग रहा है कि यार अब ये लास्ट टाइम है जब हम लोग का जो प्रेशर भी ज़्यादा है और काम का जो फास्ट जो काम चल रहा है हमारा, तो वो भी बहुत सही लग रहा है मेरे को। आगे और दोस्तों मैं आगे आपको लास्ट तक में लेके दिखाऊंगा, और वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आगे आगे तक में हमारा जो प्रोसेस है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप देखिए गौर से, इस पर ध्यान दीजिए, गौर करिए कि कैसे क्या होगा, क्या पोजीशन होगी यहाँ की, और कैसे कैसे हमारा जो वर्क है किस हिसाब से हमारा भरा। तो चलो अंदर की तरफ। और तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि हमारा इधर का भी ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और वायरिंग वगैरह सिग्नल वगैरह का भी सारा जो हमारा वर्क है वो भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब रहा बात मैं इधर का जो मेरा सीन है ना अंदर का, मतलब ऐसा है कि मतलब देखने लायक है। आपको ये नहीं कह सकता कि कुछ काम नहीं हुआ हो, काम आपको सामने दिखाई देगा कि हाँ क्या क्या मेरी प्रोग्रेस हुई है, क्या 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 चीज़ें हुई है हमारी, वो आपको सामने दिखाई देगा। और ये जो है अब दोस्तों हमारा भी जाने का टाइम हो ही गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है अब ख़त्म होने वाली हैं, और रहा बात अब लास्ट टाइम में, बस हमारा 1 लाइन का जो ये जो सामने आप देख रहे हो कंक्रीट, ये भी हमारा मतलब 2 दिन के अंदर में कंप्लीट होने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि हमारा जो काम है बहुत ही फास्ट चल रहा है, सब लोग इसमें जितने ज़्यादा हो सके वो सारी ये दिलचस्पी लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बस इसके बाद हमारा सिर्फ BLT वर्क और जो वायरिंग की जो वर्क है मेरा जो बचा हुआ रहेगा, और कोई वर्क मेरा रहेगा नहीं। और रहा बात लाइटिंग हो गया, सिग्नल्स हो गए, जो बीच बीच में जो सारे सिग्नल्स हैं हमारे, वो सारी चीज़ें हमारी लगेंगी, और लाइट भी अप्रोक्स हमारे तो लग चुके हैं, ठीक है। आगे और लेके चलता हूँ आपको, और आगे और दिखाता हूँ कि हमारे जो लास्ट तक में जो सीन है, जहाँ पर हमारा फिर 1 लाइन है जहाँ पर हमारी लाइनिंग जो चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे लास्ट में लाइनिंग चेंज होने का, तो मैं आपको लास्ट तक में एंड तक में दिखा देते रहता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको लास्ट तक ज़रूर दिखाऊंगा। तो 1 लाइनिंग जहाँ पे है हमारी, मैं आपको वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ सामने से, और वो भी बहुत अच्छी लग रही है, देखने में बहुत ही कमाल लग रहा है। तो अभी इधर में बस हमारा बचा हुआ है, और ये भी हमारा इसमें अप्रोक्स हमारा, हाँ दो दिन मैंने ज़रूर आपको बोला है, पर 1 दिन आप एक्स्ट्रा पकड़ के रखो, क्योंकि कंक्रीट में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि अगर हमारा एक कंक्रीट होने में मिनिमम हमारा, अगर गाड़ी टाइम पे आ जाए तो
सुबह से अगर आ जाए तो हमारा शाम तक में कंप्लीट हो जाता है, पर इधर में क्या है कि रोड्स ना होने के वजह से, क्योंकि अभी लाइनिंग की जो प्रॉब्लम है मैं उसके चक्कर में हमारे जो ट्रैवलर्स हो गए या हमारा जो कंक्रीट वर्क है थोड़ा सा डिले हो जाता है, पर हाँ ये चीज़ है कि फास्ट हो रहा है। और इधर देखो दोस्तों हमारा जो ये जो वर्क है हमारा ऑलमोस्ट हमारा इस साइड में आप देख ही रहे हो कि ड्रेन के ऊपर का जो जो ढक्कन लगता है तो वो भी हमारा वो रेडी है। आगे और आपको दिखाते हैं, हम बने रहिए हमारे साथ, आगे और दिखाते रहते हैं आपके साथ। और दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये देख रहे हैं आप सामने में हमारा इस साइड में जो टनल का एग्जिट टनल है जहाँ पे हमारी कुछ अगर यात्री फंसते हैं तो उनको निकालने के लिए, और इधर में हमारा जो लाइनिंग का जो बॉक्सेस वगैरह जो रखे रहते हैं तो जो जिसमें सारी सेटिंग्स होती है तो वो सारी चीज़ें हमारे राइट साइड में रखी हुई है। और अब हम पहुँच गए लास्ट में, और लास्ट में आपको ले कर चलते हैं। तो दोस्तों यही है हमारा जो एंड का पॉइंट है, यही है हमारा, ये देख रहे हैं आप सामने में हमारी जो लाइनें जो क्रॉस होंगी उसकी ये है, और यहाँ से फिर हमारा सिंगल लाइन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ तक ही बस हमारा जो क्रॉसिंग वगैरह है लाइनों की जो क्रॉसिंग होगी तो यहीं तक है, और हमारा आगे में हमारा जो सिंगल लाइन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आप देखो, और इधर में थोड़ी चौड़ाई भी ज़्यादा है और फिनिशिंग वो भी बहुत सही हुआ है तो अब अच्छा लग रहा है, ये तो है। तो दोस्तों यही है वो सारी आप देख लिए हैं कि जैसे कि हमने हम पूरे लास्ट में आ गए हैं, अब इसके आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से अब एक सिंगल लाइन है, और जहाँ तक अभी ऑब्जर्वेशन चल रही है लाइनों वायरिंग की तो वैगन का आना जाना है, तो इधर में अभी जाने की जो है अनुमति नहीं है हमें, और हम जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम रहेगा, एक ही ट्रेन का जाने का स्पेस रहेगा, तो इधर में थोड़ा सा खतरा है। पर हाँ हमारा जो इस साइड का जो बेल्टी वर्क की जो फिनिशिंग हुई है और जो कंक्रीट वर्क हुआ है बहुत सही हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है जो हमारी ड्रेन वगैरह की सारी सिस्टम है वो भी लग चुकी है, और अब यहाँ से हमारा सिर्फ ये टनल ही स्टार्ट है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, तो ये है थीटा ट्रेन की आपकी वीडियो, और हमारा लेंग भी बस 10-15 मीटर बचा हुआ है, 10 मीटर मिनिमम, क्योंकि आज भी हमारी कास्टिंग चलेगी डे में और नाइट में भी, तो दोनों और कल दो कास्टिंग चलेगी तो दोनों मिला के हमारा हो जाएगा सारा कंप्लीट। और बस इतनी सारी चीज़ें बची हुई है, और बाकी हमारा टनल बहुत सुंदर लग रहा है, देख ही रहे हो आप। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए इस ऑलरेडी चैनल हमारी जो प्यारी सी चैनल है, और अपने सारे यूट्यूब फैमिली से एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें, और बहुत सारा ये सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब को बढ़ाए, शेयर करें और दूर दूर तक लोगों को पहुंचाएं कि सावला कोर्ट में अब जो है बहुत ही जल्दी हमारी लोकल के बाद बहुत ही जल्दी हमारी यातायात जो है वो शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक देखते रहिए एसओ रेडी।